डर गए थे कि एक तो उसका पॉलिटिकल रसूख है, आज भी डरेंगे हम, वो करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं। मालूम है कि इसी ने सब कुछ करा है, तो क्यों नहीं उसको भी साथ में गोली मार देते? मेरे हाथ में अगर कानून हो तो मैं उसको गोली मार दूं। कॉलेज से अंदर से खींच लिया तो तुरंत ही बस एक दो सेकंड के अंदर ही सारा कुछ हुआ। तो जी न्यूज की मुहिम लगातार जारी है निकिता के इंसाफ के लिए। बल्लभगढ़ निकिता हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले दे दें। हरियाणा सरकार ने स्पेशल पीपी की नियुक्ति की है, 30 दिन के अंदर दायर होगी इसमें चार्जशीट। तौसिफ के फोन की तलाश में अब बीएसआईटी जुटी हुई है। निकिता के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। हरियाणा पुलिस ने इस केस के लिए स्पेशल पीपी नियुक्त किया है और 30 दिन के अंदर पुलिस इस मामले की चार्जशीट दायर करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस आरोपी तौसिफ को क्राइम ब्रांच ऑफिस लेकर के गई है, लेकिन इस दौरान आरोपी तौसिफ ने माइक पर कुछ नहीं बोला। पुलिस का कहना है कि पुलिस को तौसिफ का मोबाइल फोन अब तक नहीं मिला है। सूत्रों का कहना है कि वारदात के बाद तौसिफ ने अपना फोन तोड़कर फेंक दिया था। एसआईटी तौसिफ को वहीं लेकर गई है जहां उसने फोन फेंकने की बात कबूली है। इधर निकिता का फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। हरियाणा पुलिस इस केस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि पीपी नियुक्त कर चुकी और 30 दिन के भीतर इस मामले की चार्जशीट दायर करेगी। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरी वारदात को समझाने की कोशिश की है। निकिता कहां से निकली, कहां हत्या हुई, कैसे आरोपी तौसिफ और रेहान ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। फरीदाबाद में यह निकिता तोमर का घर है और निकिता तोमर यहीं पर बचपन से पली बड़ी है, खेली है और पूरा बचपन यहीं पर बिताया है। 26 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे निकिता अपनी माँ और भाई के साथ बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में परीक्षा देने के लिए रवाना होती है। अपना घर सोसाइटी से बल्लभगढ़ का अग्रवाल कॉलेज लगभग 8 से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से माँ और भाई अपने साथ लेकर निकिता को गए थे क्योंकि ग्रेजुएशन की उसकी अंतिम परीक्षा थी। आईएएस बनने का सपना निकिता तोमर का था, लेकिन निकिता को ये नहीं पता था कि ये उसकी अंतिम यात्रा होगी क्योंकि कुछ मनचले और इस तरह के लोग उसे गोली मार देंगे। तौसिफ ने जो हत्या की है, जिस तरह से हत्या की है और धर्म परिवर्तन बनाने का जो दबाव उसके ऊपर डाला गया, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हम इस वक्त बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर मौजूद है। 26 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे निकिता जब परीक्षा देकर बाहर निकल रही थी, उस वक्त उसने अपने घर वालों को फ़ोन किया था। फ़ोन पर यह कहा था कि मुझे लेने आ जाओ भैया, क्योंकि यहां से 100 मीटर की दूरी पर ही निकिता की मम्मी और निकिता का भाई यहां मौजूद थे, उन्हें पेपर दिलाने आए थे। लेकिन परिवार वालों ने बताया कि जैसे ही फ़ोन कटा, उनकी बेटी निकिता को आरोपी तौसिफ ने गेट के अंदर से ही खींचते हुए जबरदस्ती करने की कोशिश की, गाड़ी में बिठाने की कोशिश की और जब निकिता नहीं मानी, उसने विरोध किया, तो ठीक आप देखिए इसी जगह पर जो कि ये कॉलेज का गेट है, लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर ही इस जगह पर निकिता को गोली मार दी गई और इसके सामने जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसके फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ और ये साफ हो गया कैसे जिस तरह के परिवार वालों ने आरोप लगाए कि धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश थी, जबरन शादी की कोशिश थी और जब निकिता नहीं मानी तो उसे तौसिफ ने बेरहमी से गोली मार दी। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, बल्लभगढ़। नू से इस वक्त राजू राज हमारे साथ मौजूद है, नू से मेवात से जहां पर आरोपी का कनेक्शन है। वहीं दूसरी तरफ विशाल हमारे साथ बल्लभगढ़ से मौजूद है, पूरी रिपोर्ट आप देख रहे थे, वरुण भी हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले राजू राज, मैं इन्वेस्टिगेटिव एंगल से आपसे जानना चाहता हूं
एक तो ये सवाल लगातार उठ रहा था कि ऐसा क्या है नूह में, मेवात में, लगातार क्यों वहां धर्म परिवर्तन की ऐसे फैक्ट्री, और कब तक जो है बच्चियों को हम न्याय वहां से नहीं दिलवा पाएंगे। पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन में क्या कह रही है, क्योंकि सिर्फ एक ये केस नहीं वहां पर बन करके रह जाए, बाकी और जितने केसेस हैं उन पर भी एक नजीर स्थापित होनी चाहिए। राजू, सचिन, आज कल से मैं पूरे नूह इलाके में हूँ, पूरे मेवात का लगभग अलग अलग इलाकों में गया, और जो जानकारियां हासिल में हमें हुई उसके मुताबिक पूरे एक साल के अंदर 60 से भी ज्यादा लव जिहाद के मामले हैं। हमने कारण जानने की कोशिश की आखिर क्या वजह है कि ये मेवात लव जिहाद का एक फैक्ट्री बनता जा रहा है। तो एक कारण आया कि यहाँ की जो आबादी है, मुस्लिम आबादी लगभग 80% है, जो हिंदू है वो अल्पसंख्यक है। तो जहां पर इनकी आबादी है वहां पर ये लड़कियों को टारगेट करते हैं और उसके साथ बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है और उसके बाद शादी की जाती है। शादी के बाद कई ऐसे मामले भी हैं जहां लड़कियों को छोड़ना पड़ता है, उसे टॉर्चर किया जाता है। दूसरा, यहां के तमाम जो आबादी है मुस्लिम आबादी, ज्यादातर लोग ड्राइवर का काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर शहरों में जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, वहां से हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के लाते हैं, वहां पर अपना नाम बदलते हैं, लाते हैं और यहां शादी करते हैं। चूंकि यहां पर एक हब बना हुआ है कि इनकी बहुसंख्यक हैं और यहाँ पर उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता है, और यही वजह है कि इस इलाके को सेफ माना जाता है और लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते हैं। सिर्फ एक निकिता यहाँ पर नहीं है, लगभग आज मैं 5 से 6 ऐसे परिवारों से मुलाकात की, कई लोग तो कैमरे पे बात करने को तैयार नहीं, उन्हें डर लगता है इस बात का, ताकि अगर वो कैमरे के सामने बोलते हैं उनकी तस्वीरें टीवी में आती है तो उनके साथ दिक्कत होगी, क्योंकि वो मुस्लिम समाज के बीच रहते हैं और उनकी संख्या बहुत कम है। एक ऐसा परिवार भी मिला जिसे 2017 में उसकी बेटी लव जिहाद का शिकार हुई, आज उसे 2 साल से 3 साल से अपने घर छोड़कर दूसरे शहर में किराए के मकान पर रहना पड़ता है। तो एक बड़ा कारण है यहाँ पर लव जिहाद का, जिसकी वजह से प्रशासन को ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी ऐसे मामले रुक पाएंगे। लेकिन जो रवैया पुलिस का, उस रवैये से नाखुश है इलाके के लोग, दिखाता रहा है ना, आपने कहा कि आपने तमाम परिवारों से मुलाकात की, लेकिन ऐसा क्या रहता है प्रशासन पर कि विशाल 2018 वाली FIR में मान मनवल करा करके दोनों में समझौता करा दिया जाता है, मतलब अगर उसी वक्त ही जड़ इसकी ढूंढ ली जाती तो आज निकिता होती, आज परिवार ऐसे रो नहीं रहा होता। बिल्कुल सचिन, देखिए, और इसके पीछे अगर आप परिवार का कारण देखेंगे तो जो बेटी का परिवार है उसकी मजबूरी यह है कि बेटी को आगे पढ़ाना भी था, इसी समाज में रहना भी था, तो एक समाज को और लोक लाज को देखते हुए वो इसमें पीछे हटने को थोड़ा सा तैयार हुआ। और जब कल हमने निकिता के पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें डरना नहीं चाहिए था, उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था, उन्हें इस बात का अफसोस है। अगर वो नहीं डरे होते, नहीं पीछे हटे होते और समाज का ख्याल नहीं किया होता और उसी वक्त अगर तौसीफ पर कड़ी कराई होती तो शायद आज निकिता जिंदा रहती। लेकिन यहां पर पुलिस की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर परिवार ने किसी के खिलाफ किडनैपिंग की शिकायत कराई है और इस तरह का मामला सामने आ रहा है तो पुलिस को भी अपने स्तर पर ऐसी कोशिश लगातार करती रहनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो और जो तौसीफ जैसे अपराधी बन जाते हैं उनके हौसले ना बढ़े, ये पुलिस की भी जिम्मेदारी हो जाती है। और जैसा कि राजू राज बता रहे थे, इस पूरे इलाके में जब हम अलग अलग लोगों के पास जा रहे हैं, अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं, अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं और लव जिहाद एक बड़ा मुद्दा इस पूरे इलाके में बना हुआ है। उसके पीछे कई कारण ये है कि कोई सख्त कानून ना होना, इसके बारे में सही तरीके से पैरवी न करना और कई ऐसे मामले हैं जहां पर दबाव बनाया जाता है स्थानीय स्तर पर। और अगर आप तौसीफ का राजनीतिक कनेक्शन देखेंगे, उसके परिवार का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो देखेंगे तो वो काफ़ी मजबूत है। ऐसी स्थिति में कैसे एक बाहर का आदमी जो आकर फरीदाबाद बल्लभगढ़ में नौकरी करता है, अपने परिवार को चलाता है, पढ़ाई लिखाई कराता है, वो ऐसे स्थानीय रसूखदार लोगों का मुकाबला कैसे कर सकता है। ऐसी स्थिति में स्थानीय पुलिस को, प्रशासन को और सरकार को ही आगे आना पड़ेगा ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जाहिर सी बात है, तमाम अफसरों से अगर हम बात भी कर रहे थे वो कह रहे कि अगर राजनीतिक प्रशासन ना हो तो इस तरह की घटनाएं आई नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के हाथ आखिरकार किस तंत्र ने ऐसे बांध रखे होते हैं और ये कनेक्शन कहीं ना कहीं मेवात या नू से ही कैसे निकलता है। क्राइम ग्राफ क्या कहता है, मेवाती गैंग के नाम से कई ऐसे गिरोह हैं जो वहां पर सक्रिय हैं, कई रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, लव जिहाद के न जाने कितने मामले वहां से आते रहे हैं, दिल्ली हरियाणा यूपी में कई वारदातों में इनकी भूमिका रही है,
मेवात का यह क्राइम ग्राफ है। आतंकियों को शरण देने के लिए भी मेवात बदनाम रहा है। आतंकी फंडिंग की बात हो, कई मदरसों की बात हो, मेवात का नाम जिक्र आ जाता है। लूटपाट, डकैती, अपहरण, हत्या से बिगड़ी मेवात की पहचान है। जानवरों की तस्करी के लिए, गौ तस्करी के लिए वैसे कुख्यात है, और कहा जाता है कि बहुत ऐसे इलाके जहां तो पुलिस भी जाने से डरती है, इतना ज्यादा वहां पर क्राइम है। वर्ष 2018 में देश के सबसे पिछड़े जिलों में एक मेवात था, और मेवात की साक्षरता दर है 56%। ज्यादातर आबादी मुस्लिम है और माइनॉरिटी वहां पर हिंदू है। लव जिहाद के मामले एक नहीं, लगातार इतने मामले वहां पर सामने आते रहे हैं, लेकिन प्रशासन के हाथ बंधे हैं, वो मेवात पर कार्रवाई करने से इतराता है। फरीदाबाद जेल में खुद कैदियों के संख्या के 25% कैदी जो हैं वो मेवात से। हमारे साथ नीरज गौर भी मौजूद है। नीरज, इस वक्त पुलिस क्या कह रही है? पीपी तो इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक दिया गया है, 30 दिन के भीतर चार्जशीट की बात की जा रही है, और क्या कुछ एंगल्स हैं? अभी तक फोन की बरामदगी हालांकि नहीं हुई है। बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं जो कि क्राइम ब्रांच का ऑफिस है यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कोशिश हूँ। अभी कुछ देर पहले ही जो क्राइम ब्रांच की टीम है, जो SIT है, वो यहाँ पर लेकर के आई है, और सुबह के वक्त यहाँ से जो है कौशिक को जो कि SIT की टीम है वो यहाँ से लेकर के गई थी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि कौशिक का मोबाइल फोन कहाँ पर है, क्योंकि पुलिस का ये भी कहना है कि अगर कौशिक की और निकिता तोमर के बीच जो बातचीत हुई है, क्या उसकी रिकॉर्डिंग उस मोबाइल फोन में है? अगर है तो आखिरकार क्या बातचीत हुई थी, तो ये पुलिस को मिल सकता है। लेकिन अभी तक कौशिक का मोबाइल फोन SIT को बरामद नहीं हुआ है। उस फोन को बरामद करने के लिए कुछ देर पहले यहां से तौसीफ को लेकर के गई थी, और वो फोन बरामद करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं जो कमिश्नर है उनका साफ तौर से कहना है कि इस पूरे मामले में 30 दिनों के भीतर जो है चार्जशीट फाइल की जाएगी, और इसी के साथ अभी दोनों को आमने सामने बैठा करके पूछताछ की जा रही है। जो पूरा सीक्वेंस है वो जानने की कोशिश की जा रही है, और इसी के साथ में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कि तौसीफ है उसने खुद अपना जुर्म जो है वो कबूल किया है कि उसने किस तरीके से पूरी साजिश के तहत निकिता को मारा। उसने कहा कि निकिता से वो शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसने निकिता से शादी का प्रस्ताव रखा, पिछले कई दिनों से इनके बीच बातचीत हो रही थी, तो और लगातार कह रहे हैं ना कि लव जिहाद के लिए कब तक इतनी हत्याएं होती रहेंगी, और जो लव जिहाद का विरोध करेगा क्या उसका अंजाम इस तरीके से होगा, ये संदेश देने की कोशिश है। और कहां है वो समाज जो कि ये कहता था कि लव जिहाद तो कुछ होता ही नहीं, आप धार्मिक एंगल देते हैं, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आगे आते और इस घटना की न केवल निंदा करके बल्कि बताते कि जो अपराधी है उसे धर्म के आंकड़े से नहीं, उसे देखना चाहिए कि उसे प्रॉपर सजा मिले, निकिता को इंसाफ मिले। तो निकिता की मां ने जी न्यूज से बातचीत में आरोप लगाया कि सिर्फ तौसीफ बल्कि उसका परिवार भी निकिता पर धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए दबाव बना रहा था। हमारे साथ निकिता तोमर की मां इस वक्त मौजूद हैं। आंटी, अब आपकी क्या मांग है? और क्योंकि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि तौसीफ ही नहीं बल्कि तौसीफ का परिवार भी, तौसीफ की मां भी आप लोगों पर दबाव बना रही थी कि निकिता की शादी कराई, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या पूरा मामला था? ये सारा सच है। उसकी फैमिली का भी प्रेशर था कि धर्म परिवर्तन करके बेटी की शादी कर दो, क्योंकि उसके बेटे की पसंद थी। अब बेटी खूबसूरत है, पढ़ाई में अच्छी है, तो वो तो ऊपर वाले की है, उसमें मेरी क्या गलती है, मेरी बेटी की क्या गलती है? पौने 3 से 3:30 दो पेपर रेगुलर लगातार थे, उसके पेपर तुरंत ख़त्म होते ही 3:30 पेपर से निकली है, फ़ोन कर दिया, मम्मा आ जाओ गाड़ी लेके, पेपर ख़त्म हो गया। हमने कहा ठीक है बेटा, गेट पर आओ, निकलो, हम आ रहे हैं। हम गेट पर नहीं पहुँचे, उसने कॉलेज के अंदर से ही बेटी को खींच लिया, जैसे 4-5 लड़कियों के साथ आ रही थी, कर लेके तुरंत बात, तुरंत ही जैसे उसने कॉल किया, रूम से निकलते ही तो कॉल कर दिया उसने, और उसको अंदर कॉलेज से बाहर लेके आया वो खींच के, वो गेट पर भी नहीं पहुँची है। अब आपकी मांग क्या है? क्योंकि दुख बहुत ज़्यादा है, लोगों में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। हमारी मांग यही है कि उसको एनकाउंटर किया जाए या फांसी दी जाए, तुरंत तुरंत इसका फैसला हो। लंबा फैसला हमें नहीं चाहिए, उसको 6 महीने साल बाद फांसी मिले वो नहीं चाहिए, तुरंत चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो फिर और भी मेरी तरह ही मार रोंगी, और भी बेटी जाएंगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कैसे रहेगा जो इसी प्रांत से निकला, इसी स्टेट से निकला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसी प्रांत से निकला है, तो ये नारा कैसे चरितार्थ होगा? जब बेटियों को पढ़ाया तो जाएगा, बेटियों को बचाया नहीं जाएगा, ये माँ का कहना है। कल हमने देखा कि आज तो फिर भी माँ बात कर पा रही हैं, कल माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तौसीफ अहमद जिस पे पहले भी FIR परिवार ने दर्ज कराई, परिवार ने कहा क्योंकि राजनीतिक रसूख था और कार्रवाई का कोई
कार्रवाई की कोई जड़ नजर आ नहीं रही थी तो समझौता करवा दिया पुलिस ने। तो ऐसे में तौसीफ पीछा करता रहा, अपहरण की धमकी दी, परिवार की तरफ से भी अपहरण की धमकी दी जाती रही कि अगर तुम्हारा अपहरण हो गया तो कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जाता रहा। तो आखिरकार तौसीफ अहमद ने कल पहले अपहरण की कोशिश की, फिर उसके बाद सरेराह सरेआम निकिता को गोली मार दी, उसका कत्ल कर दिया। हत्या में इस्तेमाल अवैध हथियार पुलिस को मिल चुका है, पुलिस ने पीपी भी इसमें नियुक्त किया है। 30 दिन के भीतर वो चार्जशीट की बात कर रही है। तो जिस दिन निकिता की हत्या हुई उस दिन निकिता की एक दोस्त भी उसके साथ थी। निकिता की दोस्त ने जी न्यूज को बताया कि आखिर हुआ क्या था। एक बार बता दीजिए कैसे सीक्वेंस था, मतलब कैसे आप बाहर निकले, आप साथ में थे, थोड़ा सा एक बार बताएंगे तो। हम सारे के सारे बस कॉलेज से पेपर दे के आ ही रहे थे और फिर हम सारे पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एग्जाम कैसा वगैरह हुआ है। फिर सडनली पता नहीं क्या इंसिडेंट हुआ, सब अलग अलग से हो गए। मैं और मेरी फ्रेंड, हम सारे कुछ बच्चे हम सारे आगे आगे हो गए थे, वो पीछे रह गई थी बहुत। फिर उसके बाद ऐसा इंसिडेंट हुआ, फिर सबने फिर बाद में जब ही देखा था जब ऐसा कुछ हुआ था। और इससे ज्यादा सर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ वो जो सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज में आप जो है वहाँ से निकलती हुई नजर आ रही है ना। एक जो फुटेज चल रहा है उसमें जैसे वो जो है निकिता शर्मा, वो निकिता के तोमर के साथ में है और जब वो आता है तौसीफ, तो उसी वीक में आप वहाँ से निकलती है, आप एकदम से निकल जाती है। वहाँ पे ऐसा हुआ था, एक तो पता नहीं क्या हलचल सी हुई थी, सब अलग अलग हो गए थे, हम सब भागने से लगे थे। फिर जो उसमें हम सब जा रहे हैं वो ही थे, और एक और उसमें लड़की भी है दूसरी, एक और जो साथ में फोन पे लगी हुई है। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।